सो लास्ट प्रेगनेंसी व्लॉग मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करती हूँ। 3 जुलाई को हम लोगों को पता चला कि हाँ रिपोर्ट पॉजिटिव है, एंड 4 जुलाई को हम लोग आए थे डॉक्टर के पास। बहुत भीड़ था, 3 घंटा वेट करने के बाद हम लोगों को डॉक्टर विजिट करने के लिए मिला। और फिर डॉक्टर ने चेकअप किया मुझे, और चेकअप करने के बाद USG दिया है एंड बहुत सारा ब्लड टेस्ट जो है वो दिया था। हम लोग 9 जुलाई को टेस्ट करवाने के लिए गए थे जलपाईगुड़ी में ही, और इस वक्त सिर्फ पता चलेगा कि एक टॉपिक है या नहीं। और यहाँ पे मुझे कहा था कि पानी पीने के लिए, क्योंकि यूरिन प्रेशर चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी USG है ज़्यादा यूरिन प्रेशर नहीं चाहिए, बट यहाँ से बोला गया था तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलो करते हैं, जैसे भी बोलते हैं वैसे ही करना चाहिए। तो हम दोनों पहुंच गए थे, तभी शायद किसी को भी नहीं पता था, दी और मेरे सासू माँ को शायद पता था और किसी को भी नहीं पता था। और फिर मैं उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पैदल चला करो तो फिर यूरिन प्रेशर बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था। फिर थोड़ा फिर चलने फिरने के बाद मुझे प्रेशर आया और मेरा कॉल भी आया, तो मैं चली गई थी। और यहाँ पे ना कुछ अजीब सा है, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब बहुत सारे जगह में ऐसा है कि USG में हस्बैंड को अलाउ नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी में हस्बैंड को अलाउ करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे जगह में अलाउ करते हैं बट यहाँ पे अलाउ जो है ना वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरा नंबर आ गया है और मैं जाती हूँ। सुबह गए थे हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे, तो 9:30 बजे करीब हमारा USG, फर्स्ट USG जो है वो हो गया है। एंड 2 बजे के करीब हम लोग आए थे रिपोर्ट कलेक्ट करने, तो पहले हम लोगों ने देखा और उसके बाद हम लोग सीधा चले गए डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है था कि ब्लड टेस्ट बाद में करना बट पहले USG रिपोर्ट करके हम मुझे दिखाना, तो फिर बाद में बाद का प्रोसेस जो है हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग प्रॉपर तरीके से शूट नहीं है, जब जब कुछ कुछ क्लिप्स मैंने शूट किया वैसे ही। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट्स दिखाते जाऊंगी, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये ऐसे ये कनेक्टेड है। तो पहला जो रिपोर्ट है जो हम लोगों ने 9 जुलाई को किया था वो है ये। तो एक्चुअली इसमें मेरा जो मैच्योरिटी था वो है 5 weeks 1 day, रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तो एक्चुअली उस टाइम पे होता है कि रिपोर्ट लेने के बाद भी एक्चुअल में ये चीज़ है या नहीं, या फिर और कुछ है जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वैसा मतलब मैं एक टॉपिक की बात कर रही हूँ। तो एक टॉपिक नहीं है एंड सिर्फ सैग विजिबल था, वही यहाँ पे इंप्रेशन दिया हुआ था। एंड डॉक्टर ने भी कहा है कि आपका सैग विजिबल है, अभी भी बेबी के बारे में हम लोग कुछ बता नहीं सकते, बिकॉज ऑफ 5 weeks में मेरा बेबी का हार्ट बीट जो है वो विजिबल नहीं था, वो सुनाई नहीं दिया था। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट रिपोर्ट। फिर USG कंफर्म होने के बाद हम लोग गए थे सेंटर में, जो गवर्नमेंट सेंटर होता है वहाँ पे भी चेकअप करना होता है, वहाँ पे भी नाम लिखवाना होता है, कुछ कुछ चीज़ बहुत सारा चीज़ वहाँ पे मैंने जानी है। तो यहाँ पे भी सारा कुछ चेकअप वेकअप वगैरह हुआ था, और यहाँ पे फर्स्ट ब्लड टेस्ट हो रहा था मेरा, क्योंकि यहाँ से कहा था कि यहाँ से भी बहुत सारा टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, मतलब आप करवा सकते हो एंड प्राइवेट में भी आप करवा सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा कि दो ही जगह पे हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का फैसिलिटी मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो अंकल है ना, मैंने इनको कहा था कि आप मेरा फेस देख के समझ पाओगे, ये पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब मेमोरी बन के रहेगा। तो ये अंकल के साथ मैं बातें कर रही थी और मैंने कहा कि थोड़ा सा धीरे से देना क्योंकि दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इसमें मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कब ब्लड ले लिया है ये अंकल ने। बहुत स्मूथ है इनका हाथ और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है। बातें करते करते ले लिया, और मैं यहाँ पे जब भी मैं कहीं पे भी ब्लड टेस्ट के लिए या फिर USG के लिए जाती हूँ, मैं चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ या फिर शिव जी का नाम लेती हूँ। तो भगवान जी का नाम लेते लेते बहुत हो गया, अभी जब हो जाएगा ना तब मेरा आप फेस देखना कि कैसा। मैं बहुत खुश थी कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पहले जो था लड़की उसको बहुत दर्द हुआ था, तो इसीलिए। और घर आ गई थी, बहुत गर्मी था उस टाइम पे, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा नारियल पानी पिला दो।
तो यहाँ पे है ब्लड रिपोर्ट, ऑल द ब्लड रिपोर्ट्स आर हेयर। यहाँ पे 3-4 पेज है, तो सब ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। मैंने ग्लूकोज वगैरह सब कुछ किया था उसके बाद भी, तो सब कुछ नॉर्मली है। तो ब्लड रिपोर्ट में एज सच कुछ मुझे ऐसा नहीं था कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भाई, इसमें थोड़ा सा कम, कुछ भी नहीं था। हर एक रिपोर्ट जो है ना वो नॉर्मल था। तो बहुत सारा ब्लड टेस्ट मैंने किया था, सेंटर में किया था, प्राइवेट में किया था, बहुत सारा तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। और हीमोग्लोबिन सुगर ये सब तो टेस्ट रहता ही है, दो महीने में एक बार तो हीमोग्लोबिन सुगर वगैरह टेस्ट होता ही है, प्राइवेट में भी होता है, सेंटर में हम लोग जब जाते हैं विजिट करते हैं सेंटर से भी करवा देते हैं। तो ये सब का प्रोसेस जो है ना वो अभी तक चलता ही जा रहा है, तो ये तो कंटिन्यू रहेगा 9 महीना 10 महीना तक, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो शायद आप लोग बहुत लेट देख रहे हो, और आज मैं बहुत खुश हूँ एंड नर्वस भी हूँ एट द सेम टाइम। तो आज मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ है एंड मैं 4th महीना में एंटर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और आज मेरा 2nd USG है। USG थोड़ी देर दिन पहले करने की बात थी, बट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग हैपनिंग इन नाउ डेज, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि स्ट्राइक वगैरह ये सब चल रहा था। और आज है मंडे और आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह। लास्ट USG हम लोगों ने एक्चुअली बहुत अर्ली किया था, मैं क्यों टेंस्ड हूँ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि 1st USG जो है वो हम लोगों का 1.5 मंथ में हो गया था, तब प्रॉपरली थोड़ा बहुत समझ में आया एंड बाकी थोड़ा मतलब बच्चे का मतलब हमारा बेबी कैसे कैसा है, अभी ठीक है या नहीं, वो हम लोगों को नहीं पता है, जो आज हम लोगों को पता चलने वाला है। इसीलिए मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ, क्योंकि ये 3 महीना का जो USG है ना वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो कल से थोड़ा सा पैनिक चल रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को काम डाउन रखने के लिए, क्योंकि इससे इफ़ेक्ट भी होता है बेबी के ऊपर। मैं कैसे बात कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, सॉरी। और अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मैंने ब्लड टेस्ट जो भी है, यूरिन टेस्ट जो भी है डॉक्टर्स ने दिया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। मैं हाथों में ले ली थी, दे दिया था, तो वो सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट बिल्कुल सही आया है, एक भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अभी USG की बारी है, तो ये अगर ठीक ठाक रहता है, होप सो ठीक ठाक रहेगा, तो वैसा ही है। और अभी तबीयत जो है ना बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा कफ है, थोड़ा सा बिल्कुल 1% कफ है, बाकी बिल्कुल ठीक है। और मेरा जो नया चीज़ हुआ है, कैमरे में शायद समझ में नहीं आएगा, एक मिनट मैं पास से दिखाती हूँ। 2 दिन से यहाँ पे मुझे पिंपल आ गया है बहुत ज़्यादा, इस साइड में एंड इस साइड में। अचानक से नहाने के आने के बाद ठीक था, एंड आफ्टर दैट मैं जब खाना खाने बैठी, खाना खाने के बाद आके देखती हूँ कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा पिंपल ऐसे हो गया है, और मेरे पूरे बदन में भी छोटे छोटे दाने जो है ना वो हो रहा है। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होता है, तो ये भी एक वैसा ही है। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, सिर्फ मैं दूध पी के आई हूँ एंड बिस्किट। तो प्रेगनेंसी में खाली पेट USG नहीं किया जाता है, थोड़ा बहुत आप खा पी सकते हो वही। और हस्बैंड आज शायद चले जाएंगे, इसके लिए ही रुके थे। हम लोगों का ये जो USG है ना वो सैटरडे का प्लान था, बट आज मंडे हो रहा है, एंड होप सो जल्द से जल्द हो जाए। अलीपुर द्वार में प्रेगनेंसी का फर्स्ट टेस्ट होने वाला है मेरा, मतलब USG का। पहले वाला जो था वो मैंने जलपाईगुड़ी में किया है, जलपाईगुड़ी में हम लोगों ने पहले डॉक्टर दिखाया, फिर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया और हम लोग यहाँ पे आ गए, हमारे यहाँ पे आ गए, और हमारे यहाँ का जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है ना, हम लोगों ने वही दिखाया। अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस डॉक्टर को लेके, वो डॉक्टर की कहानी भी एक दिन मैं बताऊँगी, एक्चुअली वही है। तो महादेव का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके मैं जा रही हूँ। थोड़ा बहुत टेंशन तो आज है कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आज के ऊपर ही, आज के डेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि सब कुछ सही है या फिर मुझे और किसी ट्रीटमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड है। तो
तो चलिए चलते हैं, और आप लोगों के साथ भी मैं ये जर्नी शेयर करूंगी। इसका नॉर्मल एक व्लॉग मैं बना रही हूँ जहाँ पे ये सब मेंशन तो नहीं है, और एक व्लॉग और बना रही हूँ जहाँ पे ये सब कुछ मेंशन है। तो मेरा सेकंड रिपोर्ट जो है वो है ये यूएसजी का रिपोर्ट। एक्चुअली इसमें मैं बहुत सारा बात कर रही थी, तब मैं मायके में थी, और ये रिपोर्ट ऐसा होने वाला था कि हार्ट बीट के ऊपर आने वाला था। तो मैंने रेडियोलॉजी मतलब रिपोर्ट के लिए मतलब मैंने वेट ही नहीं किया जब मैं गई थी यूएसजी के लिए उस रूम पे, और रेडियोलॉजिस्ट से ही पूछ लिया था मैंने कि डॉक्टर क्या है, हार्ट बीट आया है या नहीं, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट स्कैन था वो 5 वीक्स में हुआ था, एंड सेकेंड जो मेरा यूएसजी था वो था ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कुछ ऐसा था, मतलब 11 और 12 वीक्स के अंदर था वो हमारा जो टेस्ट मतलब यूएसजी था वो, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया था। पहले हम लोगों को डॉक्टर था जलपाईगुड़ी में, फिर हम लोग आए थे अलीपुर द्वार में, वहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर दिखाया। तो अगर वहाँ पे दिखाते जलपाईगुड़ी में कंटिन्यू करते तो फिर हम लोगों का जो यूएसजी सेकेंड यूएसजी है ना वो और भी जल्दी होता, बट हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज थे कि उस डॉक्टर को दिखाया ना दिखाया, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी उस डॉक्टर से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे डॉक्टर दिखाया, उसके बाद हम लोग यूएसजी करने गए। एंड उस टाइम पे ना स्ट्राइक वगैरह भी चल रहा था, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए हम लोग का थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हार्ट बीट का जो भी स्कैन वाला चीज़ होता है ना वो थोड़ा सा जल्दी होता है, मतलब 6 वीक्स में आ जाता है, कोई कोई तो 6 वीक्स में डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड फर्स्ट यूएसजी में ही उनका हार्ट बीट का रिजल्ट जो है ना वो आ जाता है। बट हमारे मामले में हम लोग बहुत अर्ली गए थे डॉक्टर के पास, तो फिर इसीलिए मतलब हम लोग 5 वीक्स के अंदर चले गए थे डॉक्टर के पास, जब किसी को पता भी नहीं चलता है, कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है, तो इसीलिए फर्स्ट यूएसजी में पता नहीं चला। सेकेंड यूएसजी में हम लोग इसीलिए थोड़ा सा टेंस्ड थे कि हार्ट बीट पता चलेगा या नहीं, सब कुछ ठीक है या नहीं, तो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट से ही मैंने पूछ लिया था कि डॉक्टर आया है या हार्ट बीट या फिर नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी आ गया है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, और माई बेबीज फर्स्ट हार्ट बीट इज तो ये पता चला। और ये देखने के बाद बहुत सारे लोग गेस करेंगे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रेडिक्शन चलता है, राइट। तो ये करने के बाद भी और भी ब्लड टेस्ट था, कुछ कुछ ब्लड टेस्ट ये डॉक्टर भी दिए थे, और उसका भी रिपोर्ट आ गया था नॉर्मल, उसका भी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आ गया था नॉर्मल। तो ये गया हम लोगों का सेकेंड स्टेज। तो अभी तक हम लोगों ने किया था 2 USG एंड बहुत सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब हम लोगों ने किया था। और ये है मेरा जो अभी तक का लास्ट ब्लड टेस्ट है वो ये है, इसके बाद अभी तक मैंने कोई ब्लड टेस्ट नहीं दिया अभी तक। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात है, जब मैं जलपाईगुड़ी जाने वाली थी उससे पहले पहले का है ये, बिल्कुल पहले पहले का है, उसी दिन का है, मतलब जिस दिन मैं जलपाईगुड़ी रवाना हो रही थी या फिर जलपाईगुड़ी में रवाना होने के एक दिन पहले ये ब्लड टेस्ट हुआ था। ये डाउन स्क्रीनिंग क्वाड्रोपल टेस्ट था जो 15 वीक टू 20 वीक्स में होता है, और डॉक्टर ने पर्टिकुलरली डेट दे दिया था कि इसी डेट में आपको करना है। और जब से मैं जलपाईगुड़ी मतलब अलीपुर द्वार आई हूँ तो मेरे मायके में जो भी ब्लड टेस्ट होता था वो घर में आके ही ब्लड लेके जाता था, ब्लड सैंपल लेके जाता था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एंगल समझ में नहीं आया था मुझे, क्योंकि बहुत सुबह सुबह ये था, 7-7:30 बजे था। ये भी बहुत अच्छे से ब्लड लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना पेन मुझे नहीं हुआ था, बट हुआ तो था, थोड़ा बहुत हुआ था। तो यहाँ पे मुझे 2 टेस्ट दिया गया था 15 to 20 मतलब 20 वीक्स के अंदर, जो है एक स्कैन और ये है एक ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जो मैंने बता दिया, और सेकेंड जो है मेरा वो है एनोमली स्कैन। ये 2 टेस्ट दिया था डॉक्टर ने, जो हम लोगों ने किया था, और डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हो गए थे। तो ये सुबह सुबह मम्मी पापा सब लोग आ गए थे, सब लोग बोलते थे कि और कितना टेस्ट होगा, और कितना ब्लड लेना होगा, तो उन लोगों को भी बहुत बुरा लगता था, बट क्या कर सकता है, दिस इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस में से ही हर किसी को जाना पड़ता है। तो वही
और ये है मेरा एनिमली टेस्ट रिपोर्ट, जहाँ पे मेरा बेबी का हार्ट बीट है अभी, मतलब तब था 160 बीट्स पर मिनट, और सब कुछ नॉर्मल था. और ये मैंने किया था 19 वीक्स में, मतलब 18 वीक्स 4 डेज में किया था मैंने, तो 19 वीक्स में थी मैं, तब मेरा एनिमली टेस्ट जो एनिमली स्कैन जो है ना वो हुआ था. तो एनिमली स्कैन के दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, पता नहीं क्यों. मैंने सोचा कि ऑलरेडी इतना सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, और फिर से यूएसजी और वहाँ पे जाके ना सब लोग पेशेंट रहते हैं, तो वहाँ पे जाके मुझे रिकॉर्ड करना थोड़ा सा ऑड लगता है. मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करते, मतलब नहीं 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 कैमरा मोबाइल कुछ नहीं करते हैं. चलो जब थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे हम लोग ही है, कर सकते हैं, तभी हम लोग करते थे. तो एनिमल स्कैन इज नॉर्मल, सब कुछ विजिबल है, और सब कुछ दिखा दिया. ये भी आप लोगों के साथ दिखाई देती हूँ. तो कुछ ऐसा है, सामने से दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे मेरा बेबी का सब कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है. मतलब हेड दिखाई दे रहा है, स्पाइन दिखाई दे रहा है, बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है. तो ये हम लोगों ने देखा, सेटिस्फाइड हुए, डॉक्टर को दिखाया, और फिर हम लोग गए थे जलपाईगुड़ी. तो उसके बाद से अभी तक हम लोगों ने डॉक्टर विजिट नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर विजिट हम लोगों का टाइम अभी तक नहीं आया है. ये सब रिपोर्ट्स दिखाने के बाद अभी मेरा मेडिसिन वगैरह ये सब चल रहा है, और नेक्स्ट जो डॉक्टर विजिट होगा तो सब, मतलब मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ ही लेके जाऊँ, आप लोगों को साथ लेके जाऊँ, और सब कुछ आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ, क्योंकि अभी सब कुछ आप लोगों के सामने आ गया है, और अभी खुल्लम खुल्ला ब्लॉग कर सकते हैं. और इसके बाद जो मेरा डेट है, कुछ दिन बाद है, 10-12 दिन बाद है मेरा मतलब डॉक्टर चेकअप. और ये 3 स्कैन ही मैंने किया था, पहले 5 वीक्स में एक किया था, फिर हार्ट बीट का एक किया था, और एनिमल स्कैन का किया था. हर एक, यहाँ पे एक बात बता देती हूँ मैं, हर एक डॉक्टर का जो मतलब ट्रीटमेंट है वो अलग होता है. बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारा स्कैन देता है, बहुत सारा चीज़ देता है, बहुत सारा डॉक्टर और कुछ देता है, कुछ कुछ डॉक्टर मेडिसिन ज़्यादा देता है, कुछ कुछ डॉक्टर मेडिसिन कम देते हैं. तो हर एक का ट्रीटमेंट का तरीका अलग है. अभी जिस डॉक्टर के अंडर में मैं हूँ, उस डॉक्टर का जो भी चीज़ है वो भी सारा हम लोगों ने किया है, उसके अलावा खुद से कुछ नहीं किया है. बिल्कुल हम लोग आँख बंद करके हम लोग ये डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जिस किसी के साथ भी शेयर करती हूँ ना, इस डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया, हम लोग दिखा रहे हैं, वो ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ये डॉक्टर, बहुत एक्सपीरियंस्ड है. मेरी कज़िन सिस्टर, मेरी 2 कज़िन सिस्टर का डिलीवरी जो है, मतलब डॉक्टर जो है वो वही थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भरोसा है उनके ऊपर. तो डॉक्टर जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे ही हम लोग जा रहे हैं इस प्रोसेस से. राइट नाउ आई एम इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर, और इसके बाद डॉक्टर होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एक और विजिट होगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो क्या होगा वो पता नहीं, और कितना स्कैन होगा और कितना ब्लड टेस्ट होगा वो भी पता नहीं. तो जो भी होगा इसका प्रोसेस मैं धीरे 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 शेयर करती जाऊँगी. तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि ये सब भी शेयर करना था आप लोगों से, शायद किसी का हेल्प हो सकता है. तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब. मिलता है नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी. टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ खुशियाँ बांटते रहिए, एंड खुद का ध्यान रखिए. बाय.